जो पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें हमारे पास काफ़ी सारे एविडेंसेस इनको अरेस्ट करने के रहे और हमने इनकी अरेस्ट करी। इसके साथ इनके जो सह आरोपी था ड्राइवर, उसको भी हम लोग ने अरेस्ट किया है। उसकी भी पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल किया है और अब हमने इनका रिमांड लेकर के इनकी जो दोनों बातचीत है उसको कनेक्ट कर रहे हैं, जो लोग एविडेंस हम कर रहे हैं, सीन को हमने रिक्रिएट किया है। वी हैव गॉन टू द स्पॉट, वहाँ पर किस तरह से इन्होंने घटना कारित की है उसको हमने प्लान किया है। इसके अलावा वी आर कलेक्टिंग अदर एविडेंसेस, जो इनका ये परिवार है, ये महिला और ये बच्ची है जिसको इन्होंने अपनी वाइफ बता करके वो अपने घर में रखा था जहाँ इनका घर था, वहाँ पर हमारी टीम उड़ीसा में है, भुवनेश्वर में, एंड वी आर कलेक्टिंग एविडेंस अबाउट दैट गर्ल। उसके लड़की को शायद इसने अपना ही नाम दिया हुआ है फादर का, वो भी हम तस्दीक करा रहे हैं। और ये सारे एविडेंस को जब हम लिंक करेंगे तब हम एक अच्छा केस इनके खिलाफ बना पाए। नार्को टेस्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये कोराबरेटिव एविडेंस के रूप में हमें काम करेगा, बिकॉज़ जब इस तरह के ब्लाइंड मर्डर होते हैं तो स्पॉट पे कोई देखने वाला नहीं होता है, तो हम लोगों को अपने सारे इन्वेस्टिगेशंस को कलेक्ट करना होता है और एट द एंड एक हमारी जो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी होती है, जो हम एविडेंसेस लाते हैं उसको फाइनल प्रूफ देने के लिए इसको करना होगा। और हम दोनों का नार्को टेस्ट कराएंगे और हमें उम्मीद है कि वो हमारे को इनको फाइनल सज़ा दिलाने में।